अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। बॉलीवुड के एक्ट्रेस और छोटे पर्दे के एक्ट्रेस जो अच्छी एक्टिंग करते हैं, जिन्हें ऊपर वाले ने खूबसूरती दी है, वो कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूं हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी की, जो कि सास भी कभी बहुत ही में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। फिर उसके बाद उनके नसीब ऐसे चमके बिना डिग्री के वो एजुकेशन मिनिस्टर भी बन गए थे। फिर अपोजिशन पार्टी वालों ने आवाज़ उठाई कि बिना डिग्री के आप एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं। उसके बाद तहकीकात हुई, फिर उसके बाद उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री पोस्ट से हटा दिया गया। खैर बहरहाल जो भी हो, फिलहाल स्मृति ईरानी एक हिंदुस्तान की सियासत में जाना माना नाम है। बहरहाल आज के दौर में स्मृति ईरानी की जो है कामयाबी उनके कदम चूम रही है, क्योंकि उन्होंने सास भी कभी बहुत ही में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। फिर उसके बाद बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनके नसीब कहाँ से कहाँ चले गए। तो आइए नाज़रीन, आज की खास खबर हम बताते हैं हमारी बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और खूबसूरत एक्ट्रेस कंगना रावत की। कंगना रावत जो है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमा चुकी हैं और उनकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने उन्हें बहुत खूबसूरत बनाया और खूबसूरत के साथ साथ अब हो सकता है कि अब जवानी तो हमेशा टिकने वाली चीज़ नहीं है। दिन पर दिन जवानी ख़त्म हो जाती है। जब जवानी ख़त्म हो रही है, तभी से इंसान को एक फिक्र हो जाती है कि आगे चलकर मेरा फ्यूचर कैसा होगा, अब मुझे आगे चलकर क्या करना चाहिए। खैर बहरहाल, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। जवानी भी कुछ इसी तरह है, जवानी टिकने वाली नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाली है। तो बहरहाल हो सकता है कि अब कंगना रावत पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे या हो सकता है कि बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिन से हमारे सेटेलाइट मीडिया, हमारी गोदी मीडिया सिर्फ एक ही न्यूज़ दिखा रही थी, सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद पिछले दो महीने से लगातार उनकी इंक्वायरी हो रही है। जो भी आप चैनल खोलेंगे, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की कहानी बताई जा रही है हर टीवी चैनल पर, हर न्यूज़ चैनल पर। तो बहरहाल तभी से हमें एक यकीन सा हो गया था कि कहीं ना कहीं ये मौत जो है सियासी टर्न लेगी। वैसा ही हुआ, सियासी टर्न लेते हुए सुशांत सिंह राजपूत की ये मौत। तो बहरहाल इसके ताल्लुक से कई बॉलीवुड एक्टर्स ने स्टेटमेंट दिया, फिर कंगना रावत ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। फिर उसके बाद जो है उन्होंने सीधे सीधे महाराष्ट्र हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर दिया था। तो आइए नाज़रीन, कंगना रावत किस तरह से एंट्री लेने वाली है पॉलिटिक्स में। अब जाहिर सी बात है, हमारे देश की सियासत में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे काफ़ी गर्मा गर्म रहते हैं। जो कोई भी हिंदू मुस्लिम की बात कर दिया, समझ जाओ वो बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है, यानी उसका फ्यूचर में वो बहुत बड़ा मिनिस्टर बनने वाला है। उसी का फ़ायदा उठाते हुए कंगना रावत ने ये इल्ज़ाम आयद किया बीएमसी के ऊपर कि कंगना रावत के ऑफिस को तोड़ा गया। तोड़ने से पहले 24 घंटे पहले एक नोटिस लगाई गई थी कि 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई देना है कि आपका ऑफिस का कंस्ट्रक्शन इलीगल तरीके से बनाया गया था। खैर 24 घंटे ख़त्म होते ही बीएमसी के 40 अहदेदार आते हैं और उनकी ऑफिस को तोड़फोड़ कर देते हैं। ऑफिस को तोड़फोड़ करने के बाद सियासी जबान इस्तेमाल करने लगती है कंगना रावत। कंगना रावत ने सीधा सीधा ये इल्ज़ाम आयद कर दिया। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा, कहीं ना कहीं जो है कंगना रावत राम मंदिर का नाम अपने ऑफिस से जोड़ रही है। राम मंदिर एक आस्था की जगह है। हर इंसान, हमारे देश का हर इंसान ऐसी जगहों की इज्जत करता है, क्योंकि एक भगवान का घर है। राम मंदिर बहुत बड़ी चीज़ है, आपका ऑफिस एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन आपने अपने ऑफिस को राम मंदिर से तुलना कर दी। आपने कहा कि मेरा ऑफिस नहीं तोड़े बल्कि राम मंदिर तोड़ दिए। राम मंदिर कोई और नहीं बल्कि बाबर की आर्मी ने आकर मेरा ऑफिस तोड़ दिया, इस तरह से कहना है। यानी उनका मतलब ये है कि इनका ऑफिस ऑफिस नहीं है, वो एक राम मंदिर था, उस राम मंदिर को जो है बाबर की आर्मी ने आकर तोड़ दिया। तो बहरहाल कहीं ना कहीं सियासी जबान इस्तेमाल करते हुए कंगना रावत, अब कंगना रावत तैयारी कर रही होगी कि वो आगे चलकर बहुत बड़ी मिनिस्टर बनने वाली है, और हो भी सकता है कि शायद बन भी जाएगी। बिना किसी सियासी पार्टी के सपोर्ट के इतनी बड़ी बात तो कोई इंसान नहीं कर सकता। हो भी सकता है कि इंटरनली कंगना रावत को जो है कोई बड़ी सियासी पार्टी सपोर्ट कर रही है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर कंगना रावत को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, आर एंड एस यूनानी फार्मेसी।
किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी ना होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज़ से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436, 9063383760।